हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है एक्सेप्ट अलजेब्रा, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 2 है, जिसमें अभी तक हम यहाँ पर 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 0, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ग्रुप के बारे में। आज हम इसी का एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे जिसका नाम है अबेलियन ग्रुप। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अबेलियन ग्रुप है, जिसको हम दूसरी भाषा में कम्यूटेटिव ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपने ग्रुप में हम डिस्कस किया था कि हमारे पास ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 आपकी आइडेंटिटी एक्सियम और नंबर 4 आपका इनवर्स लॉ। लेकिन जब हम कम्यूटेटिव ग्रुप की बात करते हैं या अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं तो एक प्रॉपर्टी आपकी और इंक्रीज हो जाती है जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। तो आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन में एग्जाम में किस प्रकार से लिखनी है, इस बात का हमें विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि डेफिनेशन देख रहे हैं कि इफ जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट डिफाइंड ऑन द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या होते हैं कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो लेक्चर के आई बटन में जाके देखिएगा, वहां पर मैंने इसकी लिंक दे रखी है जिसमें मैंने फुली वीडियो बना रखा है कि बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइंड किए जाते हैं। Then the algebraic structure G star is called an abelian group or commutative group if they satisfy the following property. तो कोई हमारे पास algebraic structure G star हमारा abelian group कहलाता है यदि कुछ 5 property को follow करता है। Number 1, closure law. Closure law का meaning मैंने आपको क्या होता है कि यदि कोई भी 2 element अगर हम G से लें उस पर binary operation लगाएं और अगर binary operation लगाने के बाद अगर वो वापस element जो मिले वो G में चले जाता है तो हम कहते हैं कि G is closed with respect to the binary operation star. नेक्स्ट हमारा G2 है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, 3 एलिमेंट हम ग्रुप G से ले और उनको अगर इस प्रकार से हम ऑपरेट करें A स्टार इन ब्रैकेट B स्टार C, अगर वो इक्वल हो A स्टार B स्टार C के फॉर ऑल A B C, यानी कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास G के अंदर हैं अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो हम बोलते हैं कि जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी, जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन फॉर द एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी एग्जाम। आइडेंटिटी एग्जाम का मीनिंग हमने बताया था कि आइडेंटिटी जो होती है किसी भी ग्रुप की हमेशा यूनिक होती है। तो हमने बोला कि अगर ई जी की अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ए पर ई ऑपरेट करें या ई पर ए ऑपरेट करें तो वापस अगर हमें ए मिलता है तो हम बोलेंगे कि ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स एक्सियम। इनवर्स एक्सियम का मतलब क्या है कि अगर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ध्यान दीजिएगा जब तक हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना कंपलसरी होता है। इफ v बिलोंग्स टू g इज इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू g देन a स्टार b इक्वल टू e, यानी कि अगर हम ये कहें कि b जो है a का इनवर्स है तो अगर हम b को अगर a पे ऑपरेट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना जरूरी है। आइडेंटिटी जो हमारा इनवर्स जो होता है वो एलिमेंट का इनवर्स होता है, जबकि आइडेंटिटी होती है जो ग्रुप की होती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ये 5 प्रॉपर्टी हमारे पास किसी भी नॉन एम्प्टी सेट जो कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है अगर ये 5 प्रॉपर्टी अगर फुलफिल कर देता है तो ऐसी कंडीशन में हम उस जी स्टार को एक अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप के नाम से जानते हैं। आइए कुछ पे कुछ एग्जांपल समझते हैं जैसे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसको हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। ओके, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज द क्यू डॉट पर। अब जैसे कि आप जानते हैं क्यू डॉट का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जो कि रैशनल नंबर का होता है। रैशनल नंबर कैसे बोलते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है। और हम ये जानते हैं कि अगर 1 by 1 प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करके देखना चाहें तो देखेंगे कि नहीं भी 2 रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे, 2 रेशनल नंबर को अगर हम डॉट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी यानी कि अगर हम इस प्रकार से ए स्टार बी स्टार सी यानी कि अगर हम ए डॉट बी डॉट सी अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें जो एलिमेंट मिलेगा ये हमेशा इक्वली आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉपर्टी भी हमारी फुलफिल होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर
आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो डेफिनेटली अगर मैं ई को अगर ए पर ऑपरेट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे ए ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ई की ये वैल्यू जो है वो मेरे पास वन के इक्वल है और एवरी वन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब इनवर्स की अगर हम बात करें तो भाई हम ए पर ऐसा क्या ऑपरेट करें कि वापस हमें वन मिल जाए, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर कि बी इक्वल टू मेरे पास होगा वन अपॉन ए, और वन अपॉन ए जो होता है वो क्यू के अंदर बिलोंग करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक इनवर्स एलिमेंट को भी फॉलो कर रहा है, यानी कि इसमें इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कम्यूटेटिव की, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि अगर हम a डॉट b अगर लिखते हैं तो b डॉट a के बराबर हमेशा आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये वैल्यू प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में कि हमारे पास जो q डॉट जो है वो एक अबेलियन है। क्या है? अबेलियन है। अब हम बात करते हैं क्यू प्लस के बारे में, तो क्यू प्लस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम क्यू प्लस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो एक रैशनल नंबर होगा, यानी कि हमारे पास जीवन प्रॉपर्टी हमारे पास फुलफिल हो गई, यानी कि जीवन हमेशा आपकी फुलफिल होगी। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो डेफिनेटली आपको ए प्लस बी प्लस सी भी मिलेगा, यानी कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी की बात करें कि अगर हम ए के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि वापस हमें ए मिल जाए तो डेफिनेटली आप बोलोगे जीरो, और जीरो को हम यहाँ पर लिख सकते हैं जीरो अपॉन वन। इसका मतलब ये है कि क्यू प्लस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। ओके, राइट। तो अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स क्या होगा हमारे पास भाई? अब ए के अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें, ए के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि आपको यहाँ पर जीरो मिल जाए, तो भाई आपका आंसर होगा माइनस ए। तो डेफिनेटली माइनस ए जो होता है, माइनस ए जो होता है वो डेफिनेटली हमारे पास क्यू के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि माइनस ए बिलोंग्स टू क्यू होता है, यानी कि इसमें आपका एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स लॉ की, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ की। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दोनों प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होती है। तो हम यहाँ पर आसानी से ये कह सकते हैं कि भाई q प्लस जो है एक अबेलियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं i प्लस के बारे में कि i प्लस हमारा एक अबेलियन ग्रुप है। तो देखें i प्लस अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। i मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर कौन? जो माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 होते हैं। अब अगर हम किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो नया नंबर मिलेगा वो भी इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जीवन वाली प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो रही है। ठीक है, जीवन वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये हुआ। अब हम बात करते हैं G2 की, तो G2 कैसे बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि डेफिनेटली A प्लस बी प्लस सी अगर हम करते हैं तो आपको A प्लस बी प्लस सी मिलेगा इंटीजर के अंदर। ये कभी भी आपका कभी ब्रेक नहीं होगी प्रॉपर्टी इंटीजर के अंदर। तो यानी कि हमारा एसोसिएटिव लॉ भी हमारा 100% फॉलो हो रहा है। अब हम बात करते हैं G3। G3 मतलब कि आइडेंटिटी एक्सियम। तो भाई A के अंदर ऐसा हम क्या ऐड करें कि वापस आपको A मिल जाए, तो आप बोलोगे जीरो, और जीरो जो है वो एक इंटीजर है, तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है ना। अब बात करते हैं G4 की। G4 का मतलब क्या होता है? इनवर्स लॉ की बात करें भाई, ए के अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें कि वापस हमें यहाँ पर जीरो मिल जाए, यानी कि उसकी आइडेंटिटी मिल जाए, तो आप क्या आंसर दोगे? सर वो तो मेरे पास होगा बी, और बी हमारे पास यहाँ पर है माइनस ए, और माइनस ए जो है वो आई के अंदर बिलोंग करता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आई प्लस जो है वो एक आपका इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हम बात करें G5 के बारे में, तो G5 के बारे में बात करें भाई, यानी कि दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए मिलेगा। डेफिनेटली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल की है, कि i प्लस हमारा एक अबेलियन ग्रुप एग्ज को शो करता है। अब हम बात करते हैं i डॉट के बारे में, क्या i डॉट हमारा एक अबेलियन ग्रुप होगा? तो उसके बारे में भी आप समझिए, आई डॉट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब आई डॉट के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जीवन, तो अगर हम किसी भी दो आई
दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो नया नंबर मिलेगा वो भी हमें एक इंटीजर की फॉर्म में ही मिलेगा। इसका मतलब कि जी1 प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें जी2 के बारे में, तो जी2 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ए डॉट बी डॉट सी जो होगा 101% ए डॉट बी डॉट सी की कैटेगरी में आता है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी फुलफिल हो रही है। नंबर थ्री हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में, तो अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि हम ए के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस ए मिलेगा, तो आप बोलोगे सर वन, तो वन जो है वो हमारा आई के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसके अंदर मल्टीप्लीकेटिव आईएनटी जो है वो ई इक्वल टू वन मिल गया, यानी कि यहाँ पर क्या है ई इक्वल टू हमें वन मिल गया है। अब बात करते हैं जी फोर के बारे में, यानी कि इनवर्स लॉ के बारे में बात करते हैं। इनवर्स लॉ के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ए के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको ई मिल जाए यानी कि वन मिल जाए, तो आप बोलोगे कि सर बी इक्वल टू होगा मेरे पास वन अपॉन ए, और डेफिनेटली वन अपॉन ए जो है वो आपका आई में बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा आई डॉट जो है वो एक अबेलियन ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम यहां पर अबेलियन ग्रुप के बारे में आपको यहां पर बता सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिखते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अबेलियन को हम किस प्रकार से और किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखें कि हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाया गया क्यू इज द क्यू प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन क्यू प्लस सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन थ्री। अब देखिए यहां पर उन्होंने स्टार को एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी के थ्रू फॉलो किया हुआ, जिसमें बताया कि स्टार का मतलब यह है कि जब हम ए और बी पर अगर स्टार को ऑपरेट करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और थ्री का डिवाइड करेंगे। तो ए स्टार बी का मतलब उन्होंने यहां पर निकाला हुआ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, यानी कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास क्यू प्लस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। देन शो दैट क्यू प्लस स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, हमें बताना है कि Q प्लस स्टार जो एक अबेलियन ग्रुप है, अगर Q प्लस स्टार अगर एक अबेलियन ग्रुप है तो इसका मतलब यह हुआ इसमें पांचों प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एक्सियन, इनवर्स लॉ और अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे वन बाय वन इन प्रॉपर्टी को हम यहां पर फॉलो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर हम क्लोजर लॉ के बारे में। तो क्लोजर लॉ हमारे पास क्या होता है, नंबर वन बात करें यहां पर दिस कॉल्ड द क्यू वन प्रॉपर्टी। ओके, Q1 प्रॉपर्टी, तो Q1 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दिस कॉल्ड द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, अब क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास क्यों बोला हुआ है कि A और B मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पर लेते हैं इफ इफ A ग्रेटर देन 0 B ग्रेटर देन 0 B ग्रेटर देन 0 देन ए स्टार बी को अगर हम लेते हैं तो क्या मिलेगा, दिस इज द ए डॉट बी अपॉन थ्री जो कि हमें दिया हुआ है। अगर ए डॉट बी ए स्टार बी अगर हमें ए बी अपॉन थ्री मिला, हम जानते हैं कि ए ग्रेटर देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे तो डेफिनेटली जो नंबर आने वाला है वो 101% हमारा क्यू प्लस के अंदर ही आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास Q1 जो है एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब बात करते हैं क्या हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं Q2 के बारे में, यानी कि जो कि हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि एसोसिएटिव लॉ। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मान लीजिए कि मेरे पास ए और बी दो एलिमेंट यहां पर है, मैंने यहां पर ले लिया भाई सपोज ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, है ना। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी बराबर आती कि नहीं आती, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या मुझे ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता। तो देखें क्या हमारे पास, अगर हम यहां पर देखें कि अगर हम बी स्टार सी पे अगर एलिमेंट लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी सी अपॉन थ्री मिलेगा और हमारे पास ए ऐसे ही रहेगा। अगर ए इन दोनों पे अगर हम लगाते हैं तो ए डॉट बी सी अपॉन थ्री मिलेगा और होल अपॉन में हमें थ्री मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये मिलेगा ए बी सी डिवाइडेड बाय 9। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो ए स्टार बी पे अगर हम लगाते हैं तो ए बी अपॉन थ्री मिलेगा और अगर हम सी को अगर इस पर ऑपरेट करते हैं तो मिलेगा दिस इज ए बी अपॉन थ्री
डॉट सी डिवाइडेड बाय 3 यानी कि ए डॉट बी डॉट सी अपॉन 9 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये Q3, ओके Q3 हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी जिसको हम बात करते हैं आइडेंटिटी एक्सियम। क्या बात करते हैं? आइडेंटिटी एक्सियम, ओके। अगर हम आइडेंटिटी एक्सियम की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एक्सियम के अंदर हम ई मान लेते हैं कि हमारी आइडेंटिटी है। सपोज कि हमने माना कि ई मेरी आइडेंटिटी है, सपोज ई बिलोंग्स टू क्यू प्लस, है ना, सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू, अब ए स्टार ई निकाले, अब ए स्टार ई का मतलब मेरे पास क्या होगा, दिस इज द ए डॉट ई डिवाइडेड बाय 3 होगा। क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 3 होगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ। और ए स्टार ई हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ए के बराबर होती है, यानी कि ए हमारे पास मिल गया ये, तो ए डॉट ई इक्वल टू हो गया ये। तो अब अगर हम यहाँ पर ए को ए से कैंसिल करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो डेफिनेटली ये हमारा क्यू प्लस के अंदर आएगा, क्यू प्लस के अंदर आएगा। अगर ये क्यू प्लस के अंदर आता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया, यानी कि इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? दिस का Q4 इज कॉल्ड द इनवर्स एक्सियम। क्या है? इनवर्स एक्सियम, ओके। इनवर्स एक्सियम की अगर हम बात करें तो इनवर्स एक्सियम के अकॉर्डिंग अगर हम मान लेते कि हमारे पास ई जो हमारे पास बी जो है बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस इज इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, देन अगर हमारे पास बी जो है अगर ए का इनवर्स है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास बी को अगर हम ए पर ऑपरेट करते हैं तो हमें ई मिलना चाहिए, और ई हमने कितना निकाला हुआ है, 3 निकाला हुआ है। तो इसका मतलब ये हो कि बी और ए को अगर हम ऑपरेट करें तो क्या मिलेगा, दिस कॉल्ड द ए बी अपॉन 3 इक्वल टू 3, है ना। तो इसका मतलब क्या हो, बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, दिस इज द 9/a, और 9/a जो है डेफिनेटली हमारे पास क्यू प्लस के अंदर बिलोंग करता है, तो हमारे पास इसमें ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें Q5, दिस कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो होगा। देखें, अगर ए स्टार बी है तो बी स्टार ए दोनों बराबर होना चाहिए। अब ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए बी अपॉन 3, है ना, और बी स्टार ए का मतलब क्या होता है, बी ए अपॉन 3, बी ए अपॉन 3। अब बी ए अपॉन 3 लेके मल्टीप्लाई में या ए बी अपॉन 3 लेके, दोनों का दोनों मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई क्यू प्लस स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप, ओके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा है? जनरली हम देखते हैं कि आप लोग वीडियो लेक्चर देख लेते हैं लेकिन इस पर कोई कमेंट्स नहीं करते हैं, तो भाई कमेंट्स करने में कोई हर्ज नहीं है। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आप RGBP से रिलेटिव कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, डिस्क्रिट स्ट्रक्चर के ऊपर, डिस्क्रिट मैथमेटिक्स के ऊपर, तो आप मेरे ब्लॉग स्पॉट पर विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे सामने दिख रही है, www.sonendragupta.blogspot.com। और अगर आप आरजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर का फुल लेंथ सॉल्यूशन भी जानते हैं तो वहां पर आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, थैंक यू सो मच।